प्यारे बच्चों, आज हम आपको पांचवा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो पांचवें पाठ में हमने आज क्या पढ़ना है? स्वरों का पांचवा अक्षर, जिसे क्या कहते हैं? छोटा उ। ये क्या लिखा गया है? छोटा उ। आज हम आपको छोटा उ के साथ व्यंजन कैसे लगाया जाए ये पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये क्या छपा हुआ है? छपा हुआ देखिए, इसे कहेंगे छुरी। तो ये शब्द कैसे प्रयोग हुए, इसको हम छ के साथ छोटे उ की मात्रा नीचे लगाई, छ के साथ छोटे उ की मात्रा लगा करके नीचे, आगे आगे क्या लिखा? छू के साथ री। तो ये जमा करके इन शब्दों, दोनों शब्दों को जोड़ के क्या बना? छुरी। आगे शब्द है, इसको क्या कहेंगे? धनुष। तो इन तीन शब्दों में छोटे उ की मात्रा किस शब्द में लगी है ये हमने ध्यान रखना है। तो ये शब्द कौन सा आया? पहले धा, धा के साथ ना, ना में लगा है उ की, छोटे उ की मात्रा, धनु। फिर आगे क्या लिखा गया? श, धनु श। पहले क्या लिखना है? धा, पहले धा शब्द लिखना है, धा। उसके बाद ना के साथ छोटे उ की मात्रा, धनु। फिर क्या लिखना है? श। फिर क्या बन जाएगा? धनुष। इसके बाद क्या है? ये क्या है? मुकुट। तो सबसे प्रथम ही माँ के साथ छोटे उ की मात्रा, फिर का के साथ छोटे उ की मात्रा, क्या बन गया? मुकु। फिर क्या बन गया? ट। तो पहले क्या लिखेंगे? मु, फिर कु, फिर ट। ये क्या बन जाएगा? मुकुट। आगे क्या है? ये है गुलाब। गुलाब में प्रथम ग, प्रथम व्यंजन क्या है? ग। गा के साथ कौन सा स्वर लगा? पांचवा स्वर, जिसे क्या कहेंगे? छोटा उ। गा के साथ छोटे उ की मात्रा लगाकर गु, फिर ला, फिर ब, क्या बन गया? गुलाब। इस प्रकार हम एक एक शब्द, अन्य शब्द देखते हैं। ये क्या है? पुल, मुख, फिर शुभ, आगे क्या? धुन, घुटना, गुलाब, पुजारी, ये क्या है? बुलबुल, ये क्या है? कुटिया, ये क्या है? चुकान, परजा। तो हम आगे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि हम छोटे उ की मात्रा को कैसे बोल सकते हैं, तीन तीन चार चार पांच पांच शब्दों के साथ हम इसको कैसे बोल सकते हैं। तो क्या है ये शब्द? है दुकान पर जा, दुकान। शब्द है दा, दा को छोटे उ की मात्रा, दू, दुकान, दुकान पर जा। तो हम किसी को भी बोल रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं? हम दुकान पर जा। रुपया ला, इस दुकान से तू रुपया ला। आगे फिर कुटिया की सफाई कर, शब्द का को छोटी उ की मात्रा लगाकर कुटी, कुटिया, कुटिया में सफाई कर। फिर क्या लिखा? गुलाब लगा। गा को भी छोटी उ की मात्रा लगाकर गुलाब बन गया गुलाब। पहले हमने आपको समझाया था क्या लिखा गया है? गुलाब। तो इसको शब्दों में प्रयोग कैसे करेंगे? गुलाब लगा, मधुर मधुर गा, मधुर मधुर, मैंने क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका? मीठा मीठा। तो शब्द क्या आएगा? मधुर। धा के साथ छोटे की मात्रा लगी तो मधुर मधुर गा। तुलसी की माला जप, शुभ काम कर,
धनुष मत चला गुड़ खा, जो शब्द लिखे हुए हैं इस किताब में उसके अनुसार तो हमने यहां आज पढ़ लिया है, लेकिन हमने अन्य अन्य शब्दों का भी प्रयोग करते जाना है ताकि हम लगातार सीखते रहने से हमें जो बुद्धि आएगी, हमें सीखने की शक्ति आएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। है प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, आज हमने क्या सीखा? पांचवा पाठ, पांचवा स्वर में व्यंजन कैसे लगाया जाए। आज बस इतना ही। अच्छा, अलविदा बच्चों।